साहब, जिनका बड़ा दिलचस्प मुकाबला है मुल्तान में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिब जाते हैं, और वो पीपी 217 मुल्तान से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर रईस साहब आपकी इजाजत हो और सलीम साहब आपकी, तो मुल्तान का रुख करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाबियों के ऊपर हमेशा ये कहा भी जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि वो साउथ पंजाब को कम अहमियत देते हैं। तो जैन मुझे बताइए, इस वक्त जो आपका मुकाबला है उसके अंदर क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं आपको, अगर कोई आ रहे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुनीजे। पहली बात तो साउथ पंजाब को उसका हक देने के लिए एक टॉक शो में पहले बुलाने से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, बट वो बाद का टॉपिक है, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। पीपी 217 में टॉक शो किए हैं इस इशू के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है, मजीद भी करने की जरूरत है। अभी बहुत महरूमी है साउथ पंजाब जी, बिल्कुल। पीपी, जहां तक पीपी 217 का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। आवाम के अंदर बहुत जोश और जज्बा है, आवाम जिसको कहते हैं ना चार्ज है। और जैसे कि आपके इल्म में है, कल इमरान खान साहब खुद मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं, और इमरान खान साहब ने जहां जहां जलसे किए हैं, उन्होंने आपने खुद टीवी पे देखे होंगे, अनप्रेसिडेंटेड जलसे हुए हैं। तो मुल्तान ने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है, मुल्तान ने हमेशा जलसों में भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। 20 मई का जलसा केस इन पॉइंट है, जो आखिरी जलसा खान साहब ने किया था मार्च से पहले। तो इंशाल्लाह कल भी खान साहब का जलसा होगा, उससे मजीद चार्ज होगा हमारा वोटर। और इस दफा पाकिस्तान की आवाम ने और बिलखसूस 217 की आवाम ने फैसला कर लिया है कि वोट इमरान खान को देना है, वोट आजादी का देना है और वोट बल्ले को देना है।